अगर आप उससे सही में बता रही हूँ ऑर्डर वाले लैंग्वेज में जब तक आप बात करते हैं एक सफाई कर्मचारी से, प्रधान से भी क्या है, बस कितने तो ऐसे टीचर हैं जब मैं बोलती हूँ प्रधान को फोन लगाइए तो वो ढूंढना शुरू कर देते हैं नंबर। इसका मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन उनके साथ है ही नहीं अगर आपको नंबर ढूंढना पड़े और उनसे रिक्वेस्टिंग में भी हमेशा बात हो। कई बार क्या होता है एकदम पैरेलल चलते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये प्रधान है बन गए हम टीचर हैं वो मेरा सम्मान करें वो मुझे ज़्यादा हो गए। लेकिन अगर ये भावना हटा दी जाए उनसे हमें कम उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन आप अपने अगर अंदर ऐसे डेवलपमेंट कर लें कि हमेशा इसी से करेंगे तो हम जहाँ पर टीचर ऐसे काम कर रहे हैं वहाँ प्रधान का पूरा सहयोग होता है, वो चाहते भी मना नहीं कर पाते हैं। सफाई कर्मचारी भी टॉयलेट नहीं आते हैं, हफ्ता भर हो गया 15 दिन हो गया, अगर कभी भी वो गाँव में रहते हैं तो उनसे भी मिला करके एक बार बात करते रहते हैं। अगर आपका ये कम्युनिकेशन का जो रहेगा वो सही रहेगा तो वो भी प्लीज होता है कि मैडम ने हमसे कहा है सर ने हमसे जितने अच्छे से बात करी थी, थोड़ा स्कूल में चलते हैं पहले वही काम करके। और बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर तो सुनते हैं ना, क्यों लगता है वो इतने अच्छे वक्ता है, क्यों लगता है कि अगर कोई अच्छा सेल्समैन आ जाए भले ही बाहर प्रोडक्ट हो लेकिन बेच ले जाए। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशन, और वो एक दिन में नहीं डेवलप होती है, बहुत बड़ा प्रोसेस है वो, लेकिन किया जा सकता है, असंभव नहीं है। अभी हम क्लासरूम के बारे में बात कर रहे थे, क्लासरूम में बहुत सारे टीचर ने बोला कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के साथ। क्लासरूम के बाहर जब हम अपने शिक्षकों में आपस से बात करते हैं वहाँ भी कम्युनिकेशन आता है, उसके अलावा जब हम अभिभावकों से बात करते हैं वहाँ भी कम्युनिकेशन आता है, जब हम पदाधिकारियों से बात करते हैं तब भी कम्युनिकेशन आता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। और उसमें से कम्युनिकेशन जैसे अभी एक अम्ब्रेला है, बहुत बड़ा टर्म है कम्युनिकेशन अपने आप में, उसमें भी किस कम्युनिकेशन पर हम बात करें उस पर थोड़ा सा और स्पेसिफिक होंगे। ऑब्जर्वेशन है क्या, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मतलब होता है जो आपने देखा सिर्फ, ठीक है, मैंने बोला वीडियो आप देखिए, अगर आप उस वीडियो में देखेंगे तो जो चीज़ें चल रही हैं घटना उसको आप अवलोकन करेंगे कि ये चल रही है, हमें जज नहीं करना है, इवेल्युएशन नहीं करना है, समझ गए। उस वीडियो में बच्चा केवल कान में ईयरफोन लगा के कुछ सुन रहा था, आप ये नहीं कहेंगे कि बच्चा का ध्यान नहीं था, ठीक है। जब जैसे ही आपने ये बोला कि बच्चे का ध्यान नहीं था आपने तुरंत इवेल्युएट कर दिया, जजमेंट टर्म होता है, उसको आप फॉलो करते जाएंगे तो नवाचार कहाँ हुआ फिर? जब आप अपनी एक नई थ्योरी डेवलप करेंगे एक नया थ्योरी आप लाएंगे वही तो नवाचार है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपका गोल जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ करें तो कक्षा दो का जो निपुण भारत लक्ष्य है कि 45 शब्दों को अच्छे से वो पढ़ पा रहा कि नहीं पढ़ पा रहा। ये सारी चीजें बातें यहाँ ये नहीं हो रही हैं बातें, जैसे आपने कहा कि गोरखपुर हमारा एक डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हमको अपने अपने तरीके अपनाना चाहिए, तो उस डेस्टिनेशन निपुण लक्ष्य प्राप्ति का जो डेस्टिनेशन है सर अभी मीड में, अभी सेशन की मीड में आप निपुण बच्चों कैसे मांग सकते हैं, आप गाने का मतलब ये है निपुण लक्ष्य प्राप्त बच्चे कुछ नहीं है, ये डाटा आप कैसे मांग सकते हैं। लक्ष्य वाले शब्द मिला के पढ़ना, अब उन्हीं शब्दों को जो रिवर्स करके जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली बात है वो आप करवाने की बात आ रही है, तो अब हम धीरे 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 वो चीजें भी करा रहे हैं, बच्चे प्रैक्टिस उसको करते रहे करते रहे, इससे मेरी संदर्शिका भी कंप्लीट हो रही है और हमारे बच्चे निपुण भी हो रहा है। तो ये मैंने एक सॉल्यूशन निकाला था और उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। लीडिंग की बात है, लीडरशिप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वी आर द लीडर्स जो मैडम ने चुने हैं आप लोगों को आपके विद्यालय के लिए। कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, हम एज ए टीचर अगर हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में हम अगर एमबीए के संदर्भ में बात करें, इवन हम टीचर्स के रूप में बात करें, तो हमारे पास दो तरह के रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स और एक हमारे जनरल रिसोर्सेज, उसको हम चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स कह सकते हैं चाहे हम उसको मटेरियल रिसोर्स कह सकते हैं। तो दोनों रिसोर्स को किस तरह से हम अब इफेक्टिवली हम अपने डिजायर्ड गोल की तरफ ले जाने की बात करें।